सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का PMMVY के एक नए अपडेट में। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो एक नया अपडेट है, जिसमें कि यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को वेरीफाई करना एक बार जरूरी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार से आप लोगों को यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को जिस प्रकार से लॉगिन करते हैं गूगल क्रोम पर आ जाना है। गूगल क्रोम पर आने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च करना है PMMVYNIC.in। इस प्रकार से लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो ऑफिशियल पेज है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को यूज़र आईडी और पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद चलिए हम बताते हैं कैसे आप लोगों को वेरीफाई करना है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो हमने अपना यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पे डाल लिया है। डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई करने का एक ऑप्शन आ चुका है। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से एक मैसेज जाएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पे एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना है। तो चलिए हम OTP डाल के और आपको वैलिडेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ चुका है, वही OTP हमको यहाँ पे डाल लेना है। डालने के बाद हमको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे वैलिडेट करते हैं। जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद आप अपना जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का पेज है उसमें लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद अपना जो भी वर्क है वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये काम सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को एक बार करना जरूरी है। जैसे ही आप लोगों को वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP वहाँ पे डाल के वैलिडेट कर लेना है। वो करने के बाद आप अपना जो काम है PMMVY का वो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।